बोलना चाहता हूँ कि तू इतने दिन मेरे लाइफ में इसीलिए नहीं आया क्योंकि तेरा जो करियर का ग्राफ है ना भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे, पहले ये शेफ कहाँ पे था, तू पेरिस में था, पेरिस में तू आया कुवैत, अभी कुवैत से आएगा तू कहाँ पे, लक्षद्वीप, फिर लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप आई एम गोइंग टू स्पेन सून, सो विल मीट हिम। ओके okay. आई एम गेटिंग अ यू नो ट्रांसफर होने वाला है मेरा, तो मैं वहां के हिल्टन में जाने वाला हूँ, तो भी मैं यहाँ पे अरे तेरा हिल्टन जॉब फिगर क्या होगा, करूंगा। स्पेन में वहां पे एक फेस्टिवल होता है उसका नाम है टोमेटिका, तो वो क्या करते हैं टोमेटिका, टोमेटो फेंकते टोमेटिका, हैं, अबे तो तेरी को वो साफ सफाई बम का तो काम देंगे, फंसेगा वो जो रस्ते पे टोमेटो फेंकते हैं ना वहां पे टोमेटोस, तो वो इकट्ठा करने का जॉब होगा तेरा, तू कंफर्म कर लिए, देख शेक पे देख, नहीं होगा तेरा। लाइफ में दीपक, किसी की बेइज्जती करने से अपनी इज्जत जाती है, तो इसलिए इतना बड़ा हो गया तो थोड़ा सोच ले कि देख कभी किसी को, मैं जब भी कभी किसी किसी को रेस्टोरेंट में बोलो। जाता हूँ और मेरे को अगर खाना पसंद नहीं नहीं, आता मैं है, मैं चाहूँ तो कतई मैं ले भी रहा हूँ कैसा, भाई, पर मैं ना ये चप्पल मैं लेता ऐसा हूँ, नहीं तू मैं बोलता होगा। हूँ तेरे माँ की चूत बैल के लंड, समझा, उसको ऐसा देता हूँ ना भैंस चोत, समझा, ओके, एक तुम्हें में इस एक होटल एक इंडस्ट्री में शिफ्ट रह है के, ना, सुन मेरी सुन बात सुन, होटल इंडस्ट्री में रह के अगर तुम अपने पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल तभी हो गांड सकेगा जब मार आप के अपने नहीं, आप को जो कंट्रोल सबसे कर गंदा पाओ। होटल इंडस्ट्री, सबसे गंदा, हमारे जैसे माधवचोद आते गांड मार के चले जाते, क्या कर लेते तुम लोग, क्या कर लेते हैं मतलब, क्या ऐसा अरे नहीं तुम होता ना लोगों को यार। क्या बोलते हैं कि माधवचोद गेस्ट लोग, भगवान होता है, तुम तेरे जैसे लोगों को, माधवचोद अरे लोग सिर्फ दो तीन ही होते हैं, सब नहीं होते। जो नीचे दो लोग बैठे हैं ये नहीं होंगे ऐसे, अगर तुमको ये लेकिन सोचना तो, राइट। दो तीन होते हैं लेकिन जिंदगी भर फ्रैक्चर कर देते हैं कि नहीं, वो कैसे चलते हैं फिर अरे तुम ऐसा लोग कुछ ऐसे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो, मेरे को 10 साल होने वाले हैं, मैं IHM केरला से पास आउट हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली काम ही कर रहा हूँ, उसके वो बाद में कंटिन्यूस हॉबी। लोगों की एंट्री करते रहा क्या जिंदगी है, नहीं अभी बहुत नहीं, पूरी पूरी जिंदगी ये देखिए, अपना भाई 18 लाख रुपए महीना रेंट आता है इसको, 18 लाख अच्छा ऐश करता है ये, दो लाख, 2 लाख रुपए मेरी सैलरी भी है ना, तो मुझे बहुत इसके देख अफसोस पालों हो को उसने सोने का पानी लगा के बैठा है, ये देख रहा है। अरे वो सोने उसके का जो पास पानी बनने है ना का नहीं पालों है, को लगाता है जो वो, जो बनो लाइफ में, एक बात याद रखो, सेल्फ मेड बनना बहुत जरूरी है। पैसा सबके पास होता है लेकिन भाई जो तू अपना सेल्फ पैसा मेड खुद का, तू तो कमाता शेख मेड है, तू शेख मेड है, तुझे तो शेख लोगों ने बनाया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देख मैंने आज फिल्टर भी नहीं लगाया तेरे कहने पे, मुझे पता था तू तो रोकेगा मेरे को कि फिल्टर क्यों लगाता है ये, मैंने देख फिल्टर भी नहीं, बस भाई बहुत शेख अच्छा लोगों ये का, शेख लोगों का मस्ती माल लगा लगा के तू गोरा हो गया ना अभी, अबे शेख लोगों यार का माल, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत जल्द मैं जब दूसरी कंट्री में जाऊंगा तो तुमको बोलूंगा ऐड करने के लिए, ठीक स्पेन में कहाँ जा रहा है, इबीजा, है। अच्छा, हाँ, मिलते हैं फिर वहां पे वहां। ओशियाना होटल में मिल मेरे को, मैं मारता हूँ तेरी बराबर वहां पे, इबीजा में मैं आऊंगा और इतना मैं तो देना कसम से मैं कह रहा हूँ तेरे को, अरे कुछ नहीं यार, ये डार्क कॉमेडी करते हो ना तुम लोग, तो डार्क कॉमेडी बहुत अच्छी होती है। अभी आपको फेमस हो गए, 1 लाख फॉलोवर थे जब पिछली बार मैं आया था, अभी 2.5 लाख है, गुड टू नो यार। तेरे ऐसे ही करते रहो, आगे कितने बढ़ते कम रहो। हो गए, 2,000 थे अभी 1,200 हो गए मैंने सुना और जाते जाते दीपक के ऊपर एक गाना हो जाए, तू है चुतिया, है चुतिया, है तू कितना बड़ा जो तू समझता। एक मिनट, आप जो नीचे भैया हैं जो उनका, आपको एक गाना बताओ जरा हिंदी फटाफट, जल्दी से जल्दी से इसको कोई अपना हिंदी एक। से, हिंदी का गाना बता, ओम जय जगदीश हरे, चलो इसके ऊपर बना, ओम जय जगदीश हरे, बता, नहीं, ये नहीं है, तो भगवान का गाना नया। ये नहीं क्या, चलो तू तो भाई बोल रहा है कोई कि भी इसमें हिंदी गाने हिंदी गा थे, दे, कोई भी हिंदी जो तेरा फेवरेट दीपक हो। चूतिया 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 है सारे फॉलोवर जानते, उतना बड़ा चूतिया चूतिया है कोई भी जान ले, उसके दोस्त जो उसके सबक जो दी करे, वो गांड बनती ऐसे करे, भोसड़ी का दीपक इतना बड़ा मादरचोद है, चुतिया गिरी इंटरनेट पे करता भोसड़ी का दीपक है, कैसे देख रहा है
के जॉनी सिंस का एक टट्टा लगता है। सॉरी यार, आई एम सॉरी टू से लाइक, तुम्हें हंसी भी नहीं आई यार। नहीं, अच्छा है। और तुमने एक साल प्रैक्टिस करके, ये मेहनत करके एक साल से तू लिख रहा है तो बहुत अच्छा। इतना ही कहना चाहूंगा, ओ मेरे जिंदल, एंड बहुत आगे बढ़िए लाइफ में बकचोदी करते करते। इंडिया का तो इंटरनेट तुम सब लोगों ने खराब कर रखा है, कहीं अश्लीलता है, कहीं बकचोदी गाली, अब तो कुछ फील ही नहीं है कहीं पे भी। नहीं भाई, ये जो गाना है ना, ये तो भाई, ये जो तेरा गाना है ना भाई, ये तो मंत्र बनना चाहिए। इतना बहुत अच्छा गाना लगा तेरा, ये बकचोदी नहीं, तेरा गाना लिखा था बस वैसे, मतलब तो कुछ नहीं है। अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके, एंड क्या तूने बोला ऑन दी स्पॉट बनाता हूँ गाना देना, और तूने पुराना ही रट्टा मार दिया। ये पुराना ही गाना है तेरा तो तूने नया बताया नहीं ना, कोई कोई भी बता मैं चाहे तो भाई नए माने को। अरे चल निकल बहन के लंड निकल एक बारी ये बढ़वा है ना, एक बारी सुमित नारंग को ले ले, बट उससे पहले सौर गब्बर सिंह है उसको ऐड कर ले दो मिनट के लिए, फिर सुमित नारंग को ले लियो। सुमित नारंग पहले एक बार, कैसे हो भाई? मैं सही हूँ, आप कैसे हैं? बस भाई, अरे गोल्डी भाई, इसकी लेनी है क्या इज्जत देनी है बताओ? इज्जत देनी है भाई, वो नहीं भी बोले तो भी इज्जत देनी है। फर्स्ट टाइम की 6 साल लाइफ में आया हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा नीचे वाले बंदे को कैसे मैंने भेजा, वो सदमे में है अभी भी। हाँ, नहीं वाला 4-5 दिन तक अभी। अच्छा, आप कहाँ से हो भाई? मैं कैलिफोर्निया से। हाँ, शर्ट तो आपकी आपकी अहमदाबाद की लग रही है आपकी शर्ट। ऐसी है, अहमदाबाद से ही हूँ ना मैं। अच्छा, बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, तो आपके संतरे दिखाओ ना थोड़े। ऑरेंज कलर की शर्ट है ना, इसलिए तो पहन के बैठा था भाई। मुझे नहीं पता ये ऑरेंज कलर है, क्योंकि ये कलर थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, ऑरेंज अलग होता है। अच्छा, इसे क्वीन कलर कहते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सेल्सफोर्स डेवलपर। नहीं, वो आपको देख के समझ में आ गया आप सॉफ्ट है और हार्ड कभी नहीं बनेंगे। तो क्या बॉयफ्रेंड है आपका कोई? कैलिफोर्निया में कहाँ पे रहते हैं? आपकी शक्ल से लगता है सैक्रामेंटो ही रहते रहेंगे वो ट्रक ड्राइवर के पास में। क्या बात है, चेहरा देख के पहचान गए आपका। नहीं, कहाँ पे रहते हैं आप कैलिफोर्निया में? फ्रीमोंट करके जगह, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जो भाई है ना, इनका भी वहाँ पे घर है सैन फ्रांसिस्को में। किनका? आपको पता है सैन फ्रांसिस्को जो है वो दुनिया की गे कैपिटल है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? Because San Francisco has got gay town, it's a world's gay capital. तो ऐसे कभी हुआ that you are walking at road and someone passed at you and someone just teased at you? कैसे कभी हुआ ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके chances मतलब zero ही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पहले था दीपक, अब नहीं है। अब वो पहले था, अब नहीं है। अच्छा अच्छा, दीपक मैं जिम जाऊंगा, सुबह लौट जाऊंगा, ठीक है, सुबह मिलते हैं। क्यों, कहाँ पे जा रहा है तू? यार सुबह जिम जाना, लौटूंगा सुबह, जल्दी जाऊंगा जिम, टाइम हो गया 2 घंटा के लिए। तो आज इतना जल्दी क्यों सो रहा है? रोज तो तू 12 बजे सोता है, आज इतना जल्दी? आज संडे है ना, आज संडे, दिक्कत ये फिर कल से जिम शुरू है। बहुत जल्दी सो रहा है तू बाबू। इंडिया में? अच्छा भाई, मैं दिल्ली से भाई। अच्छा नहीं भाई, दिल्ली वगैरह मत बोल, तेरा आड़ीगांव बोल। अरे दिल्ली वगैरह बड़े बड़े दिल्ली में मेरा गाँव है आड़ी, बदरपुर बॉर्डर दोर, फरदाबाद दोर है भाई, ये पता हो दीपक पे ओके की रिपोर्ट है। ओके, और दीपक भाई आप कहाँ से हैं? वेल, हम लोग के अलग अलग शहर में, हम लोगों के कैलिफोर्निया में घर है, उसके बाद में हमारा बम्बई में घर है, उसके बाद में हमारा पुणे में घर है। तो हमारे काफी फ्लैट से पहले टोरंटो में भी था जो हमने बेचा। तो कैलिफोर्निया में हमारा न्यूपोर्ट बीच पे है। ये सुन ना, रुक ना, तेरी क्या गान चल रही है क्या सुन के हमारी तरफ? कैलिफोर्निया का टॉपिक आता है तभी तेरा नेट खत्म हो जाता है। हाँ, दीपक की गुड़गांव में कैसे पिटाई हुई तब तेरा नेट खत्म नहीं होता है ना? अबे बोर कर रहा तू, तब तेरा 4G अच्छा चलता है, तब तेरा 4G अच्छा चलता है। अगर आप इसको सवाल ये मुझे पूछता था ना, आपकी गुड़गांव में कैसे पिटाई हुई, तब ये सुनी नहीं आपकी।
लेकिन अभी मैं मेरा एड्रेस बता रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो इसको नींद आ रही है। किसी को ले खेच खेले, किसी को बुरी तरह, बुरी तरह खेच दे किसी को, किसी को इस भाई तो को रुक ना फिर। अरे तो तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों जा रहा है? तू खेच ले बुरी तरह से एक बंदे, किसी को पकड़ ले बुरी तरह भवेड़, उसको ऐड कर रहे तुम नारंग को, बट उसको खेच के मत लियो। हाँ और भाई बताइयो, आप कब से मेरे वीडियोस देख रहे हो? बचपन से देख रहा है मैं तो, काफी टाइम से देख रहा। अच्छा अच्छा हाँ ओके। तो नागपुर की मटका रोटी तो बहुत ही फेमस है यार, मतलब मुझे बहुत पसंद है वहाँ की जो मटका मांडा जिसे कहते हैं, आप लोग जिसे मांडा कहते हैं, बहुत वो टेस्टी लगती है मुझे, वो रोटी बहुत अच्छी लगती है, मटके मटके के ऊपर आप वो बनाते हो। हाँ हाँ। तो आप महाराष्ट्रीयन हो? नहीं मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ भाई, मैं राजपूत हूँ, मतलब यूपी से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी फैमिली पूरी नागपुर में रहती है अभी। अच्छा तो आपको पता है वहां पे मिस इंडिया रहती है जिसने डॉक्टर, आपको पता है? अरे सॉरी, मिस वर्ल्ड रहती है वहां पे। हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मिस वर्ल्ड वहां पे रहती है, वो नागपुर से बिलोंग और उससे तुल्ली जो इंटरनेशनल है उनके साथ शादी की, और उसके बाद में वो तुल्ली ने उसको, आप जानते हैं तुल्ली को, उनकी शादी न्यूयॉर्क में हुई थी। उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह, हाँ रेस्टोरेंट से वो काफी मेरे अच्छे दोस्त है वो तुल्ली, लेकिन यही है कि मैंने दोस्ती तोड़ दी क्योंकि उन्होंने यार बहुत मारा, वो मिस वर्ल्ड से शादी की और उसके बाद में उसको इतना मारा उन्होंने, अच्छा मतलब बहुत, हाँ बहुत ही उनका नाम खराब है दहेज को लेके, ये वो उनके इतने होटल्स हैं, उनके न्यूयॉर्क में होटल है। मैंने तो यार मतलब अच्छा हुआ मैंने उनके साथ व्यवहार नहीं किया, आई वॉज इंटरेस्टेड टू बाय देयर प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क, दे डू हैव द यू नो थ्री-स्टार होटल देयर, बट बाद में जब मैंने देखा कि यार ये लोग ऐसे अच्छे लोग नहीं है, तो फिर आई ड्रॉप्ड आउट माय प्लान्स, यू नो अदरवाइज वो लोग पैसे देके भी मुझे फंसा सकते थे। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना उनके बारे में, मतलब अच्छे ही रिव्यू सुने देते, और मैं तो ज्यादा होटल लेने के लिए गया था, तू गया था क्या उनके पास होटल परचेस? तू अपने फॉर्म भर भाई, मेरे को जॉब दे दो H1B1 वीजा ताकि मेरी रोजी रोटी है ना। तू जब मैं बात तेरे को कहीं बता रहा हूँ कि भाई तुल्ली इंटरनेशनल के साथ मेरा क्या हुआ, वो तो सुनना, तू ये मत देख कि भाई वो अच्छे हैं, जैसे तेरे क्या वो फैमिली रिलेटिव है क्या तेरे? नहीं 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 मेरे सिटी से है ना, तो लोग बातें करते तो सुनने में आती है। तो भाई वॉशिंगटन के लोग तो फिर वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे फिर, है ना, ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे वो सिटी से बट तुम्हारे लेवल के वो होने चाहिए, है ना? ये भी सही बात है। तो कैसे जरा मतलब वो ऊंचे लोग हैं, हम लोग जानते हैं उनको, एक हमारा है वैसे वहां पे रुतबा, सबको ही हम लोग वैसे जानते हैं। तो फिर बाकी किसी के साथ चालू किया आपने बिजनेस वहां पे कि फिर ड्रॉप ही कर दिया है? नहीं नहीं मुझे सब ऐसे ही छूटा लोग मिले मैंने ड्रॉप कर दिया, अभी मैं इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया पे 25-30 लाख महीना कमा रहा हूँ। और आप वहां पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते, पीछे ये लाल लाल वो ये क्या बोलते हैं वो LED लग रही है, LED वो मेरा अच्छा है, वो आपका शर्ट भी चटकदार, आपका शर्ट चटकदार, आपका इंटीरियर चटकदार, मस्त है एकदम, अच्छा लगा मुझे, डेड लाइट वगैरह भाई एकदम चटक चूतिया लग रहा है। अरे यार थोड़ा फर्नीचर करना है, ये पालिका बाजार के लाइट्स वहां पे लेके गया है क्या? LED यही भाई ट्राई कर रहा था मैं। सौरभ इसे हुक्का दिखा दे भाई, हुक्के की तो बैंड बजा दिए कल रात को, ये देखो भाई पूरा रेंच, कल पूरे ड्रामे ही हुए यहाँ पे भाई। हुक्का तो आधा है तेरा, वो जो डंडा था वो गेंद में ले लिया क्या तूने? नहीं नहीं मैंने नहीं लिया, रात को जो पार्टी कर रहे थे ना वो लेके गए साथ में पीते पीते ही हुक्के, वो भी गंडी है क्या तेरे जैसे? और भाई तेरी शादी वादी हुई कि नहीं? हाँ हो गई शादी। क्या नाम है तेरे बॉयफ्रेंड का? अभी एक काम करी हो, तू नागपुर से है ना, दो संतरे लेके आई हो, नेक्स्ट टाइम दो संतरे लगा के आई हो इधर। मेरे को पता है इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज है आपके पास
भाई मेरे को लगा था कि अपने हरुण का ही घर है ऐसे गुलाबी नीला पीला हरा, बट आप तेरे को देख के लगा यार कि कसम से तूने तेरे ना यूएसए को तूने अहमदाबाद बना दिया भाई कसम से। गुजराती गुजराती लाला भाई बना दिया, बैग में पूरे एलईडी बल्ब वगैरह पालिका बाजार से पैक पुक करके उधर जाके चिपका के पूरा चटकदार तूने घर बना दिया भाई। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और करना है भड़कीला बनाना। अरे बाप रे, फिर तो एकदम डिस्को बना देगा तू है ना। डांस बार बनाना है पूरा। ओके। और तेरी उम्र क्या है भाई? मैं भाई अभी 26 साल का हूँ। लेकिन कमर तेरी 40 की होगी ऐसा लग रहा है मेरे को है ना। उम्र 26 की साल है। यूएसए में जंक फूड बहुत सस्ता मिलता है, तो वही पहलता है क्या तू? नहीं ऐसा तो सस्ते मॉल में डिस्काउंटेड वो आते हैं ना वो पिज़्ज़ा बर्गर भाई। देसी आदमी भाई देसी में अच्छा भी खाया कर। क्या भी यार देख तू क्या क्या खाया कर, मैं तुझे बता रहा हूँ। सुफले, कैंपे, टिम्बाले, पनाडा, जासकुस्की, शाकुतली, शातोब्रियाट, कैवियार, यू नो ऐसे सब खाया कर। लाख डिशेस है 1.5-2 लाख में, बट कैसे वो कैसे हेल्दी रहे। लेकिन रिजल्ट तो मुझे इसका लग रहा है तेरा पहलवान का। नहीं देखा, अभी अभी रिसेंटली चालू किया है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। क्योंकि तेरे को जो इन्होंने जो तेरे को दिया है 6 मिल दिया रहेगा छोटा छोटा, मुझे तो लगता है तू सब खाना घी के साथ खाता होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को अगर मैं कहते ही कह रहा हूँ तेरे को अगर अच्छा बनना है बॉडी, रोटी के साथ अपने जो भाई है इसका 2 चम्मच मूठ डाल के खाया कर। गोल्डी भाई का कहते ही कह रहा हूँ तेरे को बॉडी बन जाएगा तेरा। ये गोल्डी भाई का जो बॉडी है ना भाई कहते ही बहुत तगड़ा है भाई। ये सब रेसिपीज तुम ही फॉलो कर रहे हो, तुम बना लो बॉडी फिर उसके बाद मैं फॉलो करता हूँ जरूर। अभी इंसानों वाला कर लेता हूँ थोड़ा सा आते। और तेरा सरनेम क्या है? हाँ तेरा सरनेम क्या है? सिंह। अच्छा तो 2 सिंह लगा ले यहाँ पे और ऐसा। और कहते ही कह रहा हूँ नीचे झुक जा, एक पूछ लगा दे भाई कहते ही डंगर लगे तू कसम से भाई साहब। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 सिंह लगा ले। नहीं सही प्रोफेशन। मुझे लगता है तू जिंदगी भर सिंग है और तू सिंगल ही रहेगा, तुझे कोई भी नहीं मिलेगा भाई। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, तुझे मिलेगा, तुझे अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा, तुझे दिन रात मिलेगा। चलो भाई मेरे को लग रहा है मेरे को जाना चाहिए अभी। तो मैं पसंद नहीं आया बिल्कुल भी आते बराबर। नहीं नहीं भाई ऐसे कुछ भी नहीं है, जो भी किया मजाक में किया एक्चुअली। गुंडी भी बोला जो भी मेरे दोस्त आएंगे उनकी गांड मारना पीछे से। ये इधर बता रहा है प्लीज रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिम। फोन खत्म हो जाने के बाद भाई चुप मार। एक बार ये इसको सौरभ को बिठा, एक उसको ले जरा अपना भाई है वो घर दिखाएगा तेरे को अपना। अच्छा, तो क्या नाम है? सौरभ, उसका नाम है सौरभ, SAURAV 221508। क्यों उसका बैकग्राउंड अच्छा है क्या? बहुत अच्छा। तू उसे फॉलो करने लग जाएगा, तू उसे फॉलो करने लग जाएगा सौरभ को बेटा। क्या बात, चलो थैंक यू भाई। कोई बात नहीं।